सिट डाउन। अच्छा, अब तक हम लोगों ने गणित में क्या क्या पढ़ा? क्या जोड़ना, घटाना, गुणा। अब हम लोग कर रहे थे, या तो सिर्फ जोड़ रहे थे, या सिर्फ घटा रहे थे, या सिर्फ गुणा कर रहे थे, या सिर्फ भाग कर रहे थे। अब हम लोग, अच्छा वैसे ये जो चार होती हैं, बताइए किसका साइन है ये? मल्टीप्लीकेशन, जोड़ घटाओ गुणा भाग। ठीक है, ये जो होती है गणित की मूल संख्याएं हैं, सबसे मेन चीजें यही चार चीजें होती हैं जो काम करते हैं आप, उसी से सारी गणित होती है। अब जैसे हम लोग एक सम मैं आपको बता रही हूँ, देखिए ये लिखा है, पढ़िए जरा मैंने क्या लिखा है। 14 + 16 + 3। अब इसमें क्या है, ये भी जोड़ना है, ये भी जोड़ना है। ठीक है, तो हम आसानी से जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ा, हम यहाँ रखो कर लें, चलिए यहाँ करते हैं। 16 + 14 = 16, 3 जोड़ा हमने, कितना हुआ? 4 × 6 = 10 + 3 तीन यहाँ लिखा, एक यहाँ हासिल, 1, 2, 3 इसका आ गया 33 आंसर आ गया। ठीक है, 33, 13। अब उसके बाद क्या हुआ, अब हमने लिया दूसरा लिया जिसमें कि अलग और एक अलग चीज होगी। क्या हुई कि ये पढ़िए, ये क्या लिखा है मैंने, माइनस। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इसमें जोड़ना भी है घटाना भी है। अब क्या करें, क्या चीज पहले करें, पहले हम लोग जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। अच्छा, अब ये याद रखिए, जब भी कोई संख्या दी होती है उसके सामने कोई निशान है, चिन्ह है कोई, इसका मतलब है ये है प्लस। कभी भी हमेशा याद रखिए, चाहे आप कितने बड़े हो जाएंगे, अगर लिखा है मान लीजिए 4, इसका मतलब है ये प्लस 4 है। कभी भी कोई संख्या अकेली लिखी जाती है, इसका मतलब उसके आगे प्लस है। तो अब क्या हुआ, ये प्लस हो गया क्योंकि 21 है, इसके आगे कुछ नहीं, इसका मतलब इसके आगे भी ये निशान है। ठीक है, अब इसके आगे ये निशान, इसके आगे प्लस का निशान, ये दोनों एक जैसे हो गए, इन दोनों को जोड़ेंगे। अब इस 16 के आगे किसका निशान है, तो इसको इसमें कुछ करेंगे नहीं, पहले एक एक जैसे करेंगे। अब ये प्लस है, ये प्लस है, इनको जोड़ लिया, यहाँ पे जोड़ा हमने 21 और 15 जोड़ा, कितना आया 5 × 1 = 6 × 2 = 3 = 36। अब ये दोनों मिला के तो 36 आ गया। अब कौन सा निशान बनाएंगे, -16। ठीक है, अब 36 में से 16 घटाइए, हाँ 6। हम लोग वैसे करते हैं, मौखिक करते हैं, 6 में से 6 गया, 3 में से 1 गया, आंसर क्या आया 20। तो यहाँ था दोनों एक जैसे थे, हमने एक जैसे कर दिए। अब यहाँ प्लस भी था और माइनस भी था, तो प्लस प्लस को एक साथ कर लिया, जोड़ लिया, फिर उसमें से माइनस को घटा दिया। अब एक और लेते हैं हम, अब इस वाले में सारी संख्याएं होंगी, सारे चिन्ह होंगे। ठीक है, अब ये देखिए, इसको पढ़ो क्या है ये, 7 × 4 + 5 = 18 / 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें तो देखो प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लीकेशन भी है, डिवीजन भी है। तो इसको हम करने के लिए एक क्रम होता है, एक तरीका होता है, भाग जो घ, भाग जो घ, भाग गुणा जोड़ घटाओ। क्या हो गया, भाग गुणा जोड़ घटाओ, इसका मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, भाग।
फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। अब इसमें सबसे पहले भाग क्या है? ये है चेष्टित, ये है भाग। तो अब इसको हमने यहाँ बराबर का निशान बनाया, बाकी सारा कुछ वैसे ही उतार लिया, ठीक है, पूरा वैसे का वैसे उतार लिया। अब 18 को 3 से भाग दीजिए, 3 एकम 3, 3 दुनी 6, 3 तिया 9, 3 छ 12, 3 पंजे 3 चार 18, यहाँ क्या आ जाएगा 6, 3 6, 18। अब क्या हुआ? अब इसके बाद हमने भाग कर लिया, अब क्या करना है? गुणा। अब इसमें गुणा क्या है? 7 और 4, 7 और 4, 7 6, अब फिर बराबर का निशान अगली लाइन में, 7 6, अच्छा 7 6, 28 प्लस 5 माइनस 6, वैसे का वैसे उतार दिया, ठीक। अब गुणा के बाद क्या करेंगे? अब जोड़ क्या है? अब देखो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये जोड़ है, इसका मतलब हम इन दोनों को जोड़ेंगे। 28 में 5 जोड़ो 29, 33 माइनस 6, अब बराबर का निशान, 33 में से 6 गया, 6 घटाओ 33 में से 6 गया, कितना आया? 3 यहाँ से एक उधार लेगा, बन गया 13, ये 3 कट के हो गया 2, 13 में से 6 गया 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना हुआ? 7, और यहाँ 2 है, क्या आ गया आंसर? 27, ठीक है। तो इसमें क्या था? चारों चीजें थी और हमने बारी बारी किया। एक और करते हैं जिससे आपको बिल्कुल पक्का हो। अब अगला करके देखें हम, पढ़िए मैं क्या लिख रही हूँ, 19 माइनस 27 भाग 9 गुणे 2, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम? भाग, भाग का है ये रहा, ठीक है। अब बराबर का निशान बनाया, बाकी सब वैसे ही उतार लिया। अब 27 को 9 से भाग दीजिए, 9 एकम 9, 9 तिया, यहाँ क्या आएगा? 3 और गुणे 2, ठीक। अब भाग के बाद क्या करेंगे? गुणा। अब ये करेंगे, अब फिर बराबर का निशान बनाया, फिर वैसे का वैसे उतार लिया, 3 दुनी 6, अब क्या करेंगे इसके बाद? गुणा के बाद जोड़ेंगे, 11 और 19 जोड़ा, कितना आया? 9 और 1 2 3 30 माइनस 6, कितना आ गया? 30 में से 6, हाँ ये 0 ने इससे उधार ले लिया, बन गया 10, 3 बन गया 2, 10 में से 6 गए 4 और 2 उतार लिया, कितना आया? 4, ठीक है, सही, बिल्कुल, थैंक यू। आप प्लीज मिटा देंगी इसको। हाँ बेटा, वो वाला भी, वो आखिर वाला रहने दो जिससे ये याद रहेगा हमें, ठीक है। अब हम लोग जरा, आपको अच्छी तरह सबको समझ आ गया? अच्छा, अब एक देखिए, ये है 4 को 2 से किया माइनस 5 प्लस 3, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि भाग, गुणा, जोड़, घटाओ चारों चीजें एक में हो, हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो, ठीक है। तो अब इसमें क्या है? भाग है, घटाना है और जोड़ है, गुणा नहीं है, कोई बात नहीं। पर चलेंगे हम वैसे, सबसे पहले क्या करेंगे? 4 उसे 2 से भाग दिया, कितना आया? भाग देने, नहीं
नहीं बेटा देखो तो कैसे दो तो चार से किया क्या है दो दुनी तो फिर आप लोग दो क्यों बोल रहे हो सॉरी चार बोल रहे थे अच्छा अब ये दो हुआ फिर माइनस फाइव प्लस थ्री ठीक है अब इसके आगे प्लस का निशान है इसके आगे प्लस का होगा तो अब क्या करेंगे हम इसको और इसको जोड़ेंगे इसको और इसको जोड़ देंगे तीन और दो क्या आया पांच में से पांच घटा दिया ठीक है अच्छा अब एक और बताते हैं ये वाला देखिए फोर माइनस टू प्लस फाइव माइनस थ्री अब इसमें कौन सी दो दिए हुए संख्याएं प्लस और अब क्या हुआ इसके आगे कुछ नहीं है तो ये और ये जोड़ देंगे पांच और चार जोड़ा नौ माइनस अब क्या अब इसमें क्या होता है जैसे प्लस प्लस को जोड़ दिया तो जब ये माइनस माइनस है दोनों ये भी जुड़ जाएंगे दो जब होते हैं माइनस माइनस दो आ जाते इसका मतलब होता है प्लस ठीक है अब ये भी माइनस है ये भी माइनस है इन दोनों को भी जोड़ देंगे कितना आगे हो गया तो नौ में से पांच गया चार आंसर आ गए तो एक हमने क्या सीखा कि या तो सिर्फ जोड़ना है या सिर्फ घटाना या सिर्फ गुणा सिर्फ भाग पर जब हम मिश्र करके करते हैं मिला के करते हैं तो हो सकता है गुणा और भाग आ जाए या हो सकता है गुणा भाग जोड़ आ जाए या हो सकता है बाकी सिर्फ दो चीजें आए जैसे इसमें आया तो जब प्लस प्लस को हुआ एक साथ जोड़ दिया माइनस माइनस को एक साथ जोड़ दिया फिर दोनों को आपस में घटा दिया ठीक है अच्छा अब देखेंगे कि प्लीज आप मिटा दीजिए अब ये भी हो सकता है कि दो गुणा दिए हुए हों और एक भाग दिया हुआ तो उसको कैसे करेंगे उसको भी इसी तरह से करेंगे ये देखिए पढ़िए ये इक्कीस तो भाग दिया सात से गुणा अठारह माइनस टू इंटू ट्वेंटी थ्री ठीक है अब हम सबसे पहले क्या करना है हमने भाग क्या भाग है ये ठीक है इक्कीस को सात से भाग दिया सात एकम सात इक्कीस तो यहाँ क्या आया थ्री इंटू थ्री को अठारह से गुणा किया माइनस दो को तेईस से अब इसमें ये भी गुणा आ गया ये भी गुणा कोई बात नहीं इसको हम कर लेंगे और इसको हल कर लेंगे अठारह को तेरह तीन से किया कितना गुणा किया तीन अठे चौबीस दो हासिल चार तीन एकम और दो जोड़ा इसका मतलब यहाँ आ गया चौवन माइनस तेईस को दो से किया दो सिया दो दुनी चार इसका मतलब यहाँ क्या आ गया तीस अब चौवन में से चालीस घटा दीजिए चार में छह घट सकता है उधार मांगा पांच बन गया चार ये बन गया चौदह चौदह में से छह सात कितने हैं और चार में से चार गया अस्सी आठ आठ ठीक है तो कोई बात नहीं सिर्फ गुणा और भाग था कोई बात नहीं हमने वैसे ही भाग तो पहले किया फिर इस गुणा किया ये गुणा किया आपस में घटा दिया ठीक है तो चाहे कितनी भी दिए हुए प्लस जोड़ दिया घटा दिया हो पर हम भाग गुणा जोड़ घटाओ इसी क्रम में चलते हैं ठीक है एक बार और मिटा दीजिए प्लीज अब हम क्या करेंगे मैं आपको सम दे रही हूँ चलो जाइए अब आप लोग
आराम से ये टेबल पास पास आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ आप लोग। ये वाला सॉल्व सुन जाओ, सुन लो, हर टेबल को मैं एक एक दे दूंगी, आप लोग सॉल्व करोगे। और यहाँ पर ये बना हुआ है, ये पकड़ेंगे आप बेटा प्लीज, इसको चिपका ले हम। ये बताओ कैसे बना है, प्लेट को कागज की प्लेट को काट के, आप चाहो तो दोने काट के बना लो, ठीक है, दोने काट के भी बन सकता है। अब ये जो है ये चिट्ठियां हैं, ठीक है, तीन चिट्ठियां हैं। आप देखिए सब सब मिलके करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे और सही उसमें खाने में आप डालेंगे, फिर हम देखते हैं कि आपने सही डाला है कि नहीं। आप दोनों इधर आ जाओ जल्दी से, आप दोनों इधर आ जाओ, चलो पेंसिल है आपके पास निकालो, आप लोग सारे मिलके आ जाओ यहाँ, ये बना लो, इसको सॉल्व करो। आप लोग आपको खड़ी हो यहाँ आ जाओ, यहाँ लड़ाई के बिना करेंगे जल्दी से सॉल्व। अभी नहीं, जब तक मैं शुरू कहूंगी टाइम जब शुरू हो, आ जाओ यहाँ आ जाओ, घेरा बना लो, इसको सॉल्व करो। और ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, धीरे धीरे और देखते हैं जल्दी करेंगे। जल्दी नहीं करेंगे, शुरू करिए जल्दी। मैं जब तक लिखती हूँ तब तक खत्म होना चाहिए। चिट्ठी डालो, चिट्ठी डालो, किसमें डालोगी, देखो आंसर क्या आया है। इसका मतलब अगर नहीं है, इसका मतलब गलत किया है, फिर से जाके देखो, फिर से जाके देखो, जल्दी जल्दी देखो, टाइम टाइम जल्दी हेल्प करो एक दूसरे की। सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। वेरी गुड, हाँ यहाँ दो लिखा, शाबाश लिखो आंटी, यहाँ नहीं, ये तो दो ही लिख दिया, अब इसको भी दो लिखो। अब उसके बाद क्या बचा, आप उसके नीचे जो काम कर ले रहे हो उसके नीचे लाइन खींच लो ना, जैसे मैंने खींची थी, तो आपको पता लग जाएगा। इसके नीचे ऐसे लाइन खींच लो, इसका मतलब ये आपने कर लिया। अब इसके बाद आगे लिखो क्या आएगा, प्लस, और यहाँ लिखो आगे माइनस फाइव, हो गया हो गया, डालो चिट्ठी डालो। जब बैठ जा, देखते हैं सही किया है कि नहीं डाला, चिट्ठी तो डल गई। बैठ के करो, अच्छा बैठ, यहाँ बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ, बैठ के करो, बैठ के करो। एक चिट्ठी तो पहुँच गई डाकखाने से, लेटर बॉक्स में पहुंच गई, बाकी चिट्ठी जल्दी करो, इंतजार है चिट्ठी का। मैं एक हुई करो कर, किसी में सही जवाब में डालो ना, जो करते जा रहे हो उसके नीचे निशान बना लो तो पता लग जाएगा। देखो आपने क्या गलत किया, देखो सबसे पहले देखो, छह को आपने दो से भाग दिया तो कितना आया है, क्यों भाग दे रहे, गुणा नहीं कर रहे, भाग दे रहे, छह से दो, दो बेकन, दो दो दूनी चार, दो तिया छह, तो तीन आया। इसके बाद पूरा वैसे ही उतार लिया, अब क्या करेंगे, ये गुणा करेंगे, करो आप नहीं डाल दो, हम लोग सॉल्व करके देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि सही है कि नहीं। बैठ जाओ सब, बैठ जाओ, इसके बाद जो जो कर लिया जिसने। Yeah.
हाँ शाबाश। अब जोड़ेंगे ना इसके बाद, हाँ पंद्रह में चार जोड़ो, उन्नीस में से तीन घटा दो, उन्नीस में से तीन घटा दो, नहीं वो लोग कर रहे ना बेटा, शाबाश। अब देखो सोलह कहाँ, उसमें चिट्ठी डाल दो, चलो वेरी गुड, सबके लिए ताली। अच्छा अब जरा देख ले सही किया है कि नहीं, ये वाला कौन सा है, ये वाला सम है और इन्होंने 11 में डाली है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए, 11। अब देखते हैं हम लोग करके, सबसे पहले क्या करना है, बैठ जाओ बेटा, चार को दो से भाग दिया कितना आया, दो प्लस फाइव गुणे तीन माइनस सिक्स, अब इसके बाद क्या करेंगे, गुणा। अब ये किया हमने, ठीक है तो दो प्लस पांच तेरा पंद्रह माइनस सिक्स, अब ये दो क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है, तो पंद्रह में दो जोड़ा पंद्रह सत्रह माइनस सिक्स, सत्रह में से छह गया, सत्रह में से छह गया, सात में से छह गया एक, इसका मतलब सही है, चलिए ये सही जगह पहुंचे, इनके लिए ताली। अच्छा अब दूसरा देखते हैं, ये वाला किसका है, माइनस फाइव वाला, ये वाली चिट्ठी देखते हैं, ठीक है ये वाली चिट्ठी, ये वाली चिट्ठी तो सही हो गई, इसको मोड़ दिया हमने, इसका मतलब ये सही पहुंच गई। अब इसको देखते हैं, अब इसने सबसे पहले क्या किया, भाग किया, ठीक है टू इंटू, अच्छा तीन, छह को तीन से भाग दो, तीन एक हम तीन, यहाँ क्या आएगा दो, दो प्लस फोर माइनस फाइव, अब किया गुणा, दो दुनी चार प्लस चार माइनस फाइव, अब क्या किया जोड़ा, फोर चार प्लस चार आठ, आठ माइनस पांच तीन, ये भी सही, चलो वेरी गुड, चिट्ठी पहुंच गई। अब ये वाला देखते हैं, अब सबसे पहले क्या किया, भाग, छह को दो से भाग दिया, दो एकम दो तीन गुणे पांच प्लस फोर माइनस थ्री, अब गुणा किया, पांच किया पंद्रह, पंद्रह प्लस चार माइनस थ्री, पंद्रह और चार को जोड़ा सोलह, सत्रह अठारह उन्नीस, उन्नीस माइनस थ्री सोलह, सही आंसर, वेरी गुड। तो चिट्ठी सब लोग की ठीक जगह पे पहुंच गई, और अगर गलत हो गए तो किसी की चिट्ठी किसी के घर पहुंच गई है ना, फिर गड़बड़ हो जाता। अच्छा अब आप लोग किताब जरा अपनी खोल लो जल्दी से, किताब खुली हुई है, वेरी गुड। अब पेज नंबर 56 और सम नंबर 2, बेटा एक बार ये मिटा दो, आप मिटा दो, पेज 56 सम नंबर 2 पढ़ेंगे सब जोर से, 56 सबने खोल लिया, सम नंबर 2 करेंगे, आम आम वाला, अच्छा रुके हुए कोई बात नहीं, पेज 56 सम नंबर 2, अच्छा अब जोर से पढ़ेंगे, आपके दिल में 1,565 पत्तियां गिरती हैं, नीम के पेड़ से 4,236 पत्तियां गिरती हैं, बताओ 27 दिन में दोनों पेड़ों से कितनी पत्तियां गिरे, अब ये पेड़ है आम का, ये पेड़ है
जी अच्छा अब ये बताओ आम के पेड़ से कितनी पत्तियां गिरती हैं एक दिन में 1,565 और नीम के पेड़ से 4,236 ये कितने दिन में गिरती है एक दिन में अब वो पूछ रहे हैं 27 दिन में कितनी पत्तियां गिरेंगी पहले क्या किया इतनी पत्तियां यहाँ गिरी इतनी पत्तियां यहाँ गिरी तो एक दिन में कुल कितनी पत्तियां गिरी दोनों को क्या करेंगे जोड़ दिया तो हमें पता लग गया इतनी सारी पत्तियां गिरी एक दिन में इतनी पत्तियां गिरी है तो 27 दिन में कितनी पत्तियां गिरेंगी तो हम क्या करेंगे कितनी बार जोड़ोगे ऐसे 27 बार जोड़ते जाओगे क्योंकि गुणा क्या है लगातार जोड़ को गुणा कहते हैं तो अगर आप इतनी संख्या को 27 बार जोड़ोगे तो फिर तो दिन महीने ही निकल जाएंगे सीधे सीधे गुणा कर दिया ठीक है अच्छा अब बताओ सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग पढ़ के जल्दी से बताओ पहले नहीं पहला क्या लिखेंगे पहला वाक्य क्या होगा शाबाश शाबाश हाँ आम के पेड़ से शाबाश एक दिन में नहीं गिरने वाली पत्तियों की शाबाश की संख्या ठीक है कितनी है 1,565 ठीक है अब दूसरा क्या लिखेंगे शाबाश वेरी गुड धीरे धीरे लिख रही हूँ ना ए से एक दिन में गिरने वाली पत्तियों की संख्या कितनी है 4,236 तीसरा वाक्य क्या होगा दोनों शाबाश दोनों शाबाश पेड़ों से गिरने या ऐसे करते हो जाओ एक दिन पूरा वैसे ही लिखते हैं दोनों पेड़ों से एक दिन में गिरने वाली कुल पत्तियां शाबाश कुल पत्तियों की संख्या अब क्या करेंगे इसको हम पहले जोड़ेंगे चलो जोड़ देते हैं हम आप जोड़ोगी आओ जल्दी आओ जल्दी से बहुत जल्दी से कोई बात नहीं अगली बार देखती रहो ना ठीक लिख रही कर रही है कि नहीं ठीक किया इसने चलो वेरी गुड तो कितनी हो गई तालियां 5,801 अब दोनों पेड़ों से गिरने वाली एक दिन में पत्तियां पता लग गई अब हमें कितने दिन का निकालना है 27 दिन तो दोनों पेड़ों से कुल कितनी पत्तियां से कितने दिन में 27 दिनों में गिरने वाली कुल या पत्ते गिरने वाली पत्तियों की संख्या बताइए
मल्टीप्लीकेटिव लिखेंगे, पत्तियों की संख्या बताएंगे तो हम ना करके, है ना। अब क्या करेंगे, गुणा। किसको किससे करेंगे गुणा, किसके गुणा गुणा करेंगे। अच्छा एक मिनट करो, भी जल्दी से आके करो, जल्दी से। सात सात एकम सात, जीरो सात को जीरो से, सात अट्ठे सात अट्ठे छप्पन, शाबाश शाबाश। पांच पांच हासिल, सात पंजे हाँ, सात पंजे पैंतीस और पांच चालीस, ठीक है। अब इसके बाद एक वेरी गुड। अब दो एकम दो, दो जीरो जा दो अट्ठे सोलह और एक हासिल, हाँ नहीं एक हासिल दिया, हाँ दो पंजे दो पंजे दस और एक ग्यारह। क्या बेटा क्या हुआ, कितने दो एकम दो, दो जीरो दो अट्ठे सोलह, नहीं बेटा सात ठीक है, हाँ ठीक है एक हासिल चला गया। अब दो पंजे दस और एक हासिल ग्यारह। अब इसको क्या करेंगे, सात दो दो छह 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 चार पांच और एक, तो कितना हो गया, एक लाख छप्पन हजार छह सौ, कितनी गिरी, एक लाख छप्पन हजार छह सौ सत्ताईस पत्तियां गिरी, सत्ताईस दिन, ठीक है। अच्छा अब जल्दी से एक बार और मिटा दो, एक और। अब ये पढ़ो आप लोग चौथा सवाल, चौथा पढ़ो, फोर्थ पढ़ो सब उसी पेज पे। कोलंबस कुल सत्तावन लोग थे, कुल तीन कप्तान थे, तो बताओ प्रत्येक, थैंक यू। अच्छा अब पृष्ठ छप्पन में चौथा, अब क्या था, ये देखो तीन, इधर देखो कितने जहाज थे, नहीं बेटा कितने जहाज थे पढ़ो, देखो कितने जहाज थे, तीन थे, तो फिर आप क्या बोल रहे हो, कितने जहाज थे, तीन थे जहाज, ठीक है। इन तीनों में कितने लोग रहते थे, सत्तावन सत्तावन लोग रहते थे, ठीक है। अब इन सत्तावन तीनों जहाजों में मिलके सत्तावन लोग रहते थे, ठीक है। अब इन जहाजों में, इन लोगों में तीन कप्तान थे, तीन कप्तान थे, अच्छा ऊपर खड़ा ना कप्तान, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं तो कितने बाकी लोग थे, नाविक कितने थे, सत्तावन पूरे लोग थे, ठीक है। अब तीन उसमें कप्तान थे, तो बाकी कितने लोग बचे थे, हाँ क्या करेंगे, सत्तावन थे उसमें से तीन कप्तान निकाल दो तो कितने नाविक बने, नाविक कितने बने, तीन बता दो सत्तावन में से, चौवन, तो चौवन नाविक थे, ठीक है। तीन चले गए चौवन नाविक थे। अब वो पूछ रहे हैं कि प्रत्येक जहाज पर कितने नाविक थे, अब पूरे मिला के चौवन थे। अब किस कितने किस किस जहाज में थे, अगर आप तीन जहाज से तीन से चौवन को भाग दे दोगे तो चौवन से भाग दो, तीन को चौवन को तीन से भाग दो, आओ करो, अच्छा आ जाओ करो,
शाबाश। माइनस का निशान, माइनस टू, यहाँ माइनस लगाते हैं बेटा। हाँ टू आएगा, ऊपर से चार उतारा और चौबीस तीन में कितनी बार गया, आठ बार, आठ बार, चौबीस। तो हर जहाज में कितने नाविक थे, अठारह अठारह, वेरी गुड, अठारह 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 नाविक थे, ठीक है, अठारह नाविक थे, अठारह नाविक थे, अठारह नाविक थे, ठीक है, और एक एक कप्तान था। तो देखिए हमारा आंसर सही है कि नहीं, कैसे, अठारह में अठारह जोड़ो, अठारह में अठारह जोड़ो, तीन छत्तीस, छत्तीस में फिर अठारह जोड़ो, आठ और छह चौदह, तीन और एक चार, चार और एक आठ, चौवन, पचपन, छप्पन, सत्तावन, ठीक है, वेरी गुड। आप होमवर्क लिख लीजिए, होमवर्क क्या है आपका, ये वाले काम करके लाइएगा, दस गुणे पांच माइनस थ्री प्लस एट भाग दो, और दूसरा समय आपका एटीन को छह से भाग करिए, फिर नौ से गुणा करिए, चार जोड़िए और आठ घटाइए, ठीक है, थैंक यू गर्ल्स।